गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस, मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस, मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस, मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस, किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है। और गाइस, मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस, मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस, इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा। और गाइस, इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा। और गाइस, जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस, इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशीष दुआसारा। और गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस, इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस, इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा। और गाइस, इस मूवी को एडिट किया गया है शान मोहम्मद के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस, इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उदीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा। और गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस, इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस, इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी सन 2018 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस, ये इंडिया की मूवी है और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस, मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस, बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो की है 10 करोड़ रुपये की। तो गाइस, वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस, इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग। गाइस, इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्वैगपुर का चौधरी। और गाइस, जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया। और गाइस, जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी। और गाइस, जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है काला कांडी। और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आबीजा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम है, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस, वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस, ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पर यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के। और गाइस, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस, चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस, आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देखकर, उस मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस, चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस, मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस, मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस, मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस, किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है। और गाइस, मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस, मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस, इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा। और गाइस, इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा। और गाइस, जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस, इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशीष दुआसारा। और गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस, इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस, इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा। और गाइस, इस मूवी को एडिट किया गया है शान मोहम्मद के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस, इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उदीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा। और गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस, इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस, इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी सन 2018 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का।
और गाइज ये इंडिया की मूवी है और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो की 10 करोड़ रुपये की। तो गाइज वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग। गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुहागपुर का चौधरी, और गाइज इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइज इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइज इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आ भी जा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम है, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पर यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइज़ आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइज़ आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देखकर और उस मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशी दुआसारा, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शान मोहम्मद के द्वारा, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उद्दीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा, और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा, और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी सन 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की मूवी है और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो की 10 करोड़ रुपये की। तो गाइज वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग। गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुहागपुर का चौधरी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आ भी जा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम है, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पर यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देखकर और उस मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज़ में।
तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशी दुआसारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शान मोहम्मद के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उदीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा, और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइज ये इंडिया की मूवी है, और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो की है 10 करोड़ रुपये की। तो गाइज वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग। गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्वैगपुर का चौधरी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आबीजा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम है, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को आईएमडीबी पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पर यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देख के, और मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशी दुआसारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है शान मोहम्मद के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उदीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा, और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है।
तो बॉक्स ऑफिस पर जो कमाई किया वो किया 10 करोड़ रुपए की। तो गाइज वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप होगी ये मूवी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग। गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्वैगपुर का चौधरी, और गाइज इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइज इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइज इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आ भी जा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम है, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देखकर और मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशी दुआसारा, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शान मोहम्मद के द्वारा, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उदीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा, और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा, और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की मूवी है और ये इंडिया के अंदर 2 लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है, तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो किया 10 करोड़ रुपए की। तो गाइज वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप होगी ये मूवी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग। गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्वैगपुर का चौधरी, और गाइस इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइस इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आ भी जा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम है, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देखकर और मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशी दुआसारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शान मोहम्मद के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उदीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइज ये इंडिया की मूवी है, और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो की 10 करोड़ रुपये की। तो गाइज वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग। गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुहागपुर का चौधरी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आबीजा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम है, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को आईएमडीबी पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पर यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देखकर, और उस मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशी दुआसारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शान मोहम्मद के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उदीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो की 10 करोड़ रुपये की। तो गाइस वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग। गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्वैगपुर का चौधरी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आ भी जा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो वह चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए वन टाइम के लिए। काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देखकर, और उस मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशी दुआसारा, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है शान मोहम्मद के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उदीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा, और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है, तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो की है 10 करोड़ रुपये की। तो गाइस वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग। गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्वैगपुर का चौधरी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आ भी जा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए वन टाइम के लिए। काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देखकर, और उस मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशी दुआसारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शान मोहम्मद के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उदीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो की 10 करोड़ रुपये की। तो गाइस वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग। गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्वैगपुर का चौधरी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आबीजा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम है, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को आईएमडीबी पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देखकर, और मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशी दुआसारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है शान मोहम्मद के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उदीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो की है 10 करोड़ रुपये की। तो गाइस वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग। गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्वैगपुर का चौधरी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है
वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आ भी जा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम है, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो वह चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए वन टाइम के लिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देख कर, उस मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशी दुआसारा, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शान मोहम्मद के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उदीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा, और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइज ये इंडिया की मूवी है और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है, तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो की 10 करोड़ रुपये की। तो गाइज वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग। गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुहागपुर का चौधरी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आ भी जा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम है, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए वन टाइम के लिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देखकर, उस मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशीष दुआसारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शान मोहम्मद के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उद्दीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी सन 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो की 10 करोड़ रुपये की। तो गाइस वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग। गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्वैगपुर का चौधरी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आ भी जा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम है, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दो इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पर यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देख के और इस मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशीष दुआसारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है शान मोहम्मद के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उद्दीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी सन 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो की 10 करोड़ रुपये की। तो गाइस वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग। गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्वैगपुर का चौधरी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है
वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आ भी जा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम है, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो वह चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दो इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए वन टाइम के लिए। काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देखकर, और उस मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशी दुआसारा, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है सान मोहम्मद के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उद्दीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा, और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है, तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो की 10 करोड़ रुपये की। तो गाइस वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्वैगपुर का चौधरी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आ भी जा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम है, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दो इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए वन टाइम के लिए। काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देखकर, और उस मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है,
और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और उस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशीष दुआसारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शान मोहम्मद के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उदीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी सन 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो 10 करोड़ रुपये की। तो गाइस वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग। गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्वैगपुर का चौधरी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आभिजा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम है, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पर यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देख के और मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और उस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशीष दुआसारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है शान मोहम्मद के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उदीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी सन 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो 10 करोड़ रुपये की। तो गाइस वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग है। गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुहागपुर का चौधरी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आ भी जा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो वह चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए वन टाइम के लिए। काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देखकर, और उस मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशी दुआसारा, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धूलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है शान मोहम्मद के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उद्दीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा, और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है, तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो की 10 करोड़ रुपये की। तो गाइस वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग। गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुहागपुर का चौधरी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आ भी जा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए वन टाइम के लिए। काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देखकर, और उस मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है,
और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशी दुआसारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शान मोहम्मद के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उदीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी सन 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइज ये इंडिया की मूवी है और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो 10 करोड़ रुपए की। तो गाइज वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग। गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्वैगपुर का चौधरी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आभिजा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम है, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को आईएमडीबी पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दो इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देखकर और उस मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशी दुआसारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शान मोहम्मद के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उदीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी सन 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइज ये इंडिया की मूवी है और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो 10 करोड़ रुपए की। तो गाइज वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग। गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्वैगपुर का चौधरी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आ भी जा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए वन टाइम के लिए। काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देखकर, और मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशीष दुआसारा, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है शान मोहम्मद के द्वारा, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उदीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा, और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की मूवी है और ये इंडिया के अंदर 2 लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है, तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो की है 10 करोड़ रुपये की। तो गाइस वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग। गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्वैगपुर का चौधरी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आ भी जा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए वन टाइम के लिए। काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देखकर, और मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशी दुआसारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शान मोहम्मद के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उदीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइज ये इंडिया की मूवी है, और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो की 10 करोड़ रुपये की। तो गाइज वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग। गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुहागपुर का चौधरी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आबीजा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम है, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को आईएमडीबी पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पर यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देखकर, और उस मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशी दुआसारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है शान मोहम्मद के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उदीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो की 10 करोड़ रुपये की। तो गाइस वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग। गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुहागपुर का चौधरी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है
वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आ भी जा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम है, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो वह चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए वन टाइम के लिए। काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देख कर, उस मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशी दुआसारा, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शान मोहम्मद के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उदीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा, और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइज ये इंडिया की मूवी है, और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो 10 करोड़ रुपये की। तो गाइज वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग होगा। इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्वैगपुर का चौधरी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आ भी जा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम है, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए वन टाइम के लिए। काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देख कर, उस मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशी दुआसारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है सान मोहम्मद के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उद्दीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो की 10 करोड़ की। तो गाइस वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग। गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्वैगपुर का चौधरी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आबीजा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम है, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को आईएमडीबी पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दो इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देखकर, और मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशी दुआसारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सान मोहम्मद के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उद्दीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो की है 10 करोड़ की। तो गाइस वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग। गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्वैगपुर का चौधरी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है
वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आ भी जा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम है, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए वन टाइम के लिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देख कर, उस मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशी दुआसारा, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शान मोहम्मद के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उदीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा, और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइज ये इंडिया की मूवी है और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है, तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो की 10 करोड़ रुपये की। तो गाइज वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग। गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सुहागपुर का चौधरी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आ भी जा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम है, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए वन टाइम के लिए, काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देख कर, उस मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशी दुआसारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शान मोहम्मद के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उद्दीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी सन 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो की 10 करोड़ रुपये की। तो गाइस वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग। गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्वैगपुर का चौधरी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आबीजा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम है, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पर यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देख के और मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशी दुआसारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है शान मोहम्मद के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उद्दीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी सन 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो की 10 करोड़ रुपये की। तो गाइस वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग। गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्वैगपुर का चौधरी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है
वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आ भी जा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम है, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो भाई चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए वन टाइम के लिए। काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देखकर, और उस मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशी दुआ सारा, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शान मोहम्मद के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उद्दीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा, और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है, तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो की 10 करोड़ रुपये की। तो गाइस वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्वैगपुर का चौधरी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आ भी जा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम है, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए वन टाइम के लिए। काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देखकर, और उस मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशीष दुआसारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शान मोहम्मद के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उद्दीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी सन 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कोई खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो की है 10 करोड़ रुपये की। तो गाइस वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग। गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्वैगपुर का चौधरी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आबीजा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम है, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पर यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देख के, और मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशीष दुआसारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है शान मोहम्मद के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उद्दीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी सन 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कोई खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो की है 10 करोड़ रुपये की। तो गाइस वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग। गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्वैगपुर का चौधरी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है
वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आ भी जा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम है, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो वह चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए वन टाइम के लिए। काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देखकर, और उस मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशीष दुआसारा, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शान मोहम्मद के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उद्दीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा, और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की मूवी है, और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है, तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो की 10 करोड़ रुपये की। तो गाइस वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग, गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्वैगपुर का चौधरी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आ भी जा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम है, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए वन टाइम के लिए। काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देखकर, और उस मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काला कांडी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अक्षत वर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया अक्षत वर्मा के द्वारा, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी दी गई है वो भी अक्षत वर्मा के द्वारा ही दी गई है। अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोहित खट्टर और आशी दुआसारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अक्षय ओबेरॉय और कुणाल रॉय कपूर और दीपक डोबरियाल और विजय राज और शोभित धोलीपाला और ईशा तलवार और शिवम पाटिल और अमांडा रोशारियो। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी दी गई है वो दी गई है हिम्मत धमीजा के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है शान मोहम्मद के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं समीर उदीन के द्वारा और शाश्वत सचदेवा के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है सिनिस्तान फिल्म कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी सन 2018 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 112 मिनट का। और गाइज ये इंडिया की मूवी है, और ये इंडिया के अंदर दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो 18 करोड़ का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब कुछ खास कमाई की नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पे मूवी फ्लॉप हो गई है। तो बॉक्स ऑफिस पे जो कमाई की है वो 10 करोड़ रुपए की। तो गाइज वैसे देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी है, मतलब वन टाइम मूवी है, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई ये मूवी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग। गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्वैगपुर का चौधरी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है काला डोरिया, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जाइव विद मी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है काला कांडी, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है वो है आबीजा। तो इसी तरीके से मूवी के सॉन्ग्स मतलब वन टाइम है, अगर आप सुनेंगे तो मतलब आनंद आएगा, इतने खास भी नहीं बोल सकते बट वन टाइम है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी सही है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई और काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, तो मैं आपको सजेस्ट यहाँ पर यही करूँगा कि आप मूवी देखें एक बार और मूवी का आनंद लें वन टाइम के लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और गाइस आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए काफ़ी सही सॉन्ग्स हैं, अगर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और मतलब आपका मनोरंजन भी काफ़ी होगा इस मूवी को देखकर, और उस मूवी के सॉन्ग सुन के काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।